2 जनवरी 2004, ऐसी तारीख भारतीय शूरवीरों की शौर्य गाथा की वो कहानी बयां करती है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। 25 वर्षीय जांबाज लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने इसी तारीख को जम्मू में फिदायिन हमले को नाकाम करते हुए करीब 1500 यात्रियों की जान बचाकर शहादत का जाम पिया, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा गया था। शहीद की याद में श्रद्धांजलि समारोह उनके पैतृक गांव फतेहपुर में शहीद त्रिवेणी सिंह गवर्नमेंट स्कूल में आयोजित किया गया। इस मौके पर शहीद की यूनिट 5 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवानों व 21 सब एरिया कमांडर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश की बड़ी बेटी पर कुर्बान कर दिया, नम आंखों से अपने बेटे को नमन करती हुई ये माँ, इकलौता बेटा देश की बड़ी बेटी पर कुर्बान कर दिया, कोई गम नहीं। दुनिया में और भी लाल बखेरे, तेरा लाल काम आए दिन, सलूट करते अपने बेटे को, इससे बढ़कर श्रद्धांजलि एक शहीद के लिए क्या हो सकता है। त्रिवेणी के जीजा जी नमन करते हैं, प्रणाम इस बार करोड़ों बहनों के सुहाग को, करोड़ों बहनों के राखी का दिखा परशुराम जी, उनकी मौसियां, उनके ताया जी, सपने संजोए जा रहे थे, एक दिन पहले अपने फियांसे से मिलकर माधोपुर में गेट टुगेदर करके भी अपनी नई नवेली मंगेतर नहीं देखी, अपने पिता नहीं देखी, अपनी बहने नहीं करके परिवार के साथ गया है। और जब शहादत की खबर आई बीच में पहुंचे हैं, उनका जाने पे स्वागत। तो हम बातचीत कर रहे थे कि जो सिर पड़ रहा है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हम बातचीत कर रहे थे कि बड़े से फौज को बहुत खुशी है, बात की देश को खुशी है। रिटायरमेंट तक इवन मरने के बाद हमारा रैंक हमारे साथ है, तो हमारे से जितना एक डिसिप्लिन स्पाई की तरह है, ये नहीं कि जब मुझे सूझ हुई तो मैं सिविलियन बन गया, ये तरीका ठीक नहीं। कुछ आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ, जब तक हम हमारी सरकार फौज पे पड़ता है और बाकी देश के लोगों के ऊपर पड़ता है, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, जिसके पुष्प ने हजारों लोगों की जान बचाते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। आज 2 जनवरी है, उनका बड़े धूमधाम से श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं। काफ़ी गणमान्य लोग आए यहाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, त्रिवेणी को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और मुझे प्राउड फील होता है, त्रिवेणी ने जो काम किया है सभी के लिए। जम्मू रेलवे स्टेशन पे हज़ारों लोग थे जिनकी जान बचाई और अपना सैक्रिफाइस दिया। दुख तो बहुत होता है, जैसे ही ये दिन पास में आते हैं तो एक माँ का जो दिल है, मैं बहुत दुखी होती हूँ, लेकिन फिर भी सब कुछ समेट के उनका ये श्रद्धांजलि समारोह मनाने की कोशिश करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, जिन्हें बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता था, जिन्होंने 2 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए फिदायिन हमले को नाकाम करते हुए और 3 आतंकियों को मारकर, जहाँ पे वो 1500 के करीब तीर्थयात्री वहाँ पे मौजूद थे जो वैष्णो देवी से आए थे, उनके प्राणों को बचाते हुए अपना बलिदान देकर बहादुरी की जो वीर गाथा लिखी, आज उन्हें सारा देश जो है सैल्यूट करता है, सलाम करता है, और एक मसीहा के रूप में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं कि छोटी सी आयु में ही वीर त्रिवेणी वो काम कर गया जो बड़े बड़े वो काम नहीं कर पाए। सो आज उनका हम 16वां श्रद्धांजलि समारोह उन्हीं के नाम पर बने, जो एक बम्याल सेक्टर में गांव पड़ता है फतेहपुर, उस स्कूल में हमने आयोजित किया है, और इलाके के 20 के करीब शहीद परिवारों को हमने यहां पे बुलाकर उन्हें सम्मानित किया है, और साथ ही बच्चों को संदेश भी दिया है, उनसे संकल्प भी दिलाया गया है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, आज ज़रूरत है वो बच्चे इन शहीदों को अपना रोल मॉडल मानते हुए अपने अंदर देशभक्ति की अलख जगा के राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें, और शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जैसे शूरवीरों के पचनों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान दें। यही आज के दिन पर शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्रा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अज अमर श्री लेफ्टिनेंट त्रिवेणी जी, जो कि सन 2004 जो है अतवादी मुकाबला करते हुए शहादत
ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਉਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਘ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਫੌਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस, वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम टू डिस्काउंट वेयर हाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर। डिफेंस रोड, विक्टोरिया स्टेट, पठानकोट।